सामने खड़ी हुई है टाटा की ऑल न्यू नेक्सॉन ईवी मैक्स। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये वाइट कलर में मेरे साथ इस समय कार खड़ी हुई है। ईवी की बैजिंग आपने यहाँ देख ली होगी। पूरी कार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका लुक। ईवी की बैजिंग, फ्रंट से इस गाड़ी में कोई चेंज नहीं है। आप इसके प्रोजेक्टर देख सकते हैं, यहाँ पर इसके प्रोजेक्टर्स, इंडिकेटर्स एंड आपके यहाँ फॉग लैम्प विद डे टाइम रनिंग टेल लैंप्स। फ्रंट से कुछ इस टाइप का लुक है इस कार का। चलते हैं इस कार के अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको। ORVM इसके ब्लैक है और जो इसकी रूफ है वो ड्यूल टोन के साथ इसकी रूफ मिलती है। ऊपर आपको इसमें ग्रैब व्हील्स भी मिल जाते हैं एंड ऊपर शार्क फिन एंटीना आपको इसमें देखने को मिल जाता है। रियर से भी इसका लुक बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। डीफॉगर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं एंड आपको इसमें लॉयन फैमिली भी देखने को मिल जाते हैं। 360 रिवर्स कैमरा इसका ये रहा। यहाँ पर जिप्ट्रॉन की बैजिंग, नेक्सॉन की बैजिंग, पूरी कार आपने देख ली है। यहाँ पर इसकी ईवी की बैजिंग, तो पूरी कार में अगर दिखाता हूँ तो इस टाइप से लुक है इस कार का। और अब मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ इस कार में। चलते हैं इस कार के इंटीरियर में। सेंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल चुका है इसका। तो गाइस चलते हैं इस कार के इंटीरियर में। इंटीरियर में आपको यहाँ पर ऑल फोर पावर विंडोज मिल जाती हैं, ऐसे नॉर्मल बेसिकली जैसे हमारी नेक्सॉन आती रही है सेम वही चीज़ें आ रखी हैं इसमें भी सेम है। आप यहाँ पर सीट एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली दोनों साइड से। कुछ इंटीरियर आपको इसका अगर दिखा पाऊँगा मैं तो कुछ इस टाइप का इसका इंटीरियर है। गाइस मेरे पास की नहीं है तो सॉरी उसकी मैं ऑन नहीं कर पाऊँगा वो इग्निशन इसका। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके फीचर्स, हारमन की आपकी टच स्क्रीन एंड ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स। यहाँ से आप इसका अपना बूट एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके डीफॉगर के हो गए हैं, यहाँ आपकी वेंटिलेटेड सीट्स आ गई हैं, यहाँ से आप गाड़ी का बूट एक्सेस कर सकते हैं। लॉक आपका यहाँ हिल होल्ड असिस्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है। नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जर एंड USB की आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। ये आपका हो गया गियर लीवर जो होता है इसमें नेक्सॉन में, आपका इको मोड, स्पोर्ट्स मोड जो भी है। एंड आपके यहाँ पर होल्ड ऑटो आपको यहाँ दे चुके हैं, ये सिस्टम पार्किंग का एंड होल्ड ऑटो का यहाँ पर इन्होंने सिस्टम दे चुके हैं। एंड आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इसका लुक है कार का इंटीरियर में। सनरूफ आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है, ये आपको इसमें मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ से इसकी लाइट ओपन हो जाती है आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आप कुछ रख सकते हैं, सन ग्लासेस तो शायद नहीं आएंगे इसमें लेकिन देखते हैं। यहाँ पर इसमें माइक देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपका कार्ड होल्डर शीशा देना चाहिए था वैनिटी में, मेरे नहीं है इसमें लेकिन यहाँ देखते हैं। इस साइड है, इस साइड दे रखा है इन्होंने, यहाँ भी देना चाहिए था वैसे। खोलते हैं इस गाड़ी का ग्लोव बॉक्स। गाइस कूल ग्लोव बॉक्स आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। नेक्सॉन का तो वैसे ही बहुत बड़ा ग्लोव बॉक्स आता है, इसका तो ग्लोव बॉक्स का कोई जवाब ही नहीं है। लेदर स्ट्रिप्स स्टिचेस के साथ आपको यहाँ पर सीट्स मिल जाती हैं, सीट्स भी बड़ी कंफर्टेबल हैं। कार ये बहुत ऑटोमेटिकली ऑसम है, मतलब कंफर्टेबल है गाड़ी लॉन्ग टूर्स के लिए भी। ऐसे मेरे पास है भी, मतलब मेरे पास नहीं, मतलब चाचा के पास कार ही है तो काफ़ी कंफर्टेबल ये कार है। आपको यहाँ पर इसका हैंडल देखने को मिल जाता है जो कि मेरे से अभी नहीं खुल रहा है, मैं भी देखता हूँ कैसे खुलेगा ये। हाँ ये खुल गया गाइस, ये आपको हैंडल देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी डीप है, ठीक ठाक है। आप इसमें अपने मनी तो कैरी कर सकते हैं, ये ठीक है, ज़्यादा स्पेस नॉर्मल है। और अगर ये पीछे हो सकता है तो मैं देखना चाहूँ पीछे को, वैसे ये पीछे नहीं होगा, बंद कर देते हैं। इसमें भी आपको स्टिचिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है कंफर्टेबल। थोड़ा और इसमें गद्दा हो सकता था लेकिन इन्होंने ठीक है। कुछ इस टाइप का इसका स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है आपको। आपको यहाँ पर आपके क्रूज कंट्रोल के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपका वॉल्यूम अप एंड डाउन, फ़ोन अपना यहाँ से उठा सकते हैं, काट सकते हैं, रिसीव मतलब जो भी है। यहाँ पर आपको कुछ रख सकते हैं अपने कॉइन्स वॉइंस रख सकते हैं अपने, आपका टेलीस्कोपिक इसमें एडजस्ट कर सकते हैं आप। इसका स्टेयरिंग ये देखिए आगे पीछे हो सकता है गाइस, ये आपका जो स्टेयरिंग है इसका टेलीस्कोपिक मतलब ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं एंड आगे पीछे ये नहीं होता है, बस ये ऊपर नीचे नीचे एडजस्ट होता है जो कि मेरे ख्याल से दोनों पे एडजस्ट होता है तो सही रहता है। और आपको अगर मैं दिखा पाऊँ इसमें यहाँ पर आपको लाइट्स कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं इसमें एंड इधर से आप अपने वाइपर्स कंट्रोल दे सकते हैं।
कुछ इस टाइप का इसका इंटीरियर आपने देख लिया होगा। यहाँ नेक्सॉन की ब्रैजिंग आपको देखने को मिल जाती है इसमें। यहाँ से आपके हेडजेट्स लैंप ओपन हो जाते हैं। सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है विद एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑल द फीचर्स इसमें दे रखे हैं इस कार में। जो भी नेसेसरी थिंग्स रिक्वायर्ड्स होती हैं इस कार में वो सब है इसमें है। बैटरी का भी बताऊंगा आपको इसमें क्या क्या चीज़ें ऑप्शन है, क्या पैकेज है, सब चीज़ आपको बताऊंगा डिटेल में। स्टीयरिंग आप देखते हैं बिल्कुल स्ट्रेचेस के साथ दे रखा है इन्होंने। सॉफ्ट है, मतलब आप कंफर्टेबल ग्रिप बन सकती है आपको इसमें। ग्रिप आपकी इसकी बहुत कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि आपको डर लगेगा, नहीं बिल्कुल नहीं। और यहाँ से आप इसका चार्जिंग का बूट खोल देते हैं। फ्यूल लिड नहीं है बेसिकली, यहाँ चार्जिंग का ऑप्शन आपको दे रखा है, जैसे मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ से आप अपनी सीट आगे या पीछे कर सकते हैं, आपको बताइए ऑप्शन होता है। यहाँ चलते हैं इसके रियर स्पेस में। रियर स्पेस में दिखा देता हूँ आपको, क्या है इसमें। गाइस मैं आपको रियर स्पेस दिखाता हूँ, मैंने अभी सीट पूरी पीछे कर रखी है और अभी मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको पीछे। तो गाइस सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, सीट्स बहुत ज़्यादा इसकी कंफर्टेबल है, देख सकते हैं आप। हेड रेस्ट एडजस्टेबल है आगे के भी और रियर के भी, ठीक है। स्पेस अगर आपको मैं दिखाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अगर अकॉर्डिंग टू मेरी हाइट 5'9" मेरी इसकी मेरी हाइट है, और मेरी 5'9" के अकॉर्डिंग हाइट मैं बड़ा कंफर्टेबल है, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि स्पेस नहीं है। हेडरूम भी मेरा काफ़ी, अगर आप दिखा पाएंगे सचिन। और यहाँ से आपको इसका ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। कुछ इस टाइप से इसका रियर लुक है, सेम गाड़ी कोई डिफरेंस नहीं है, जो पहले नेक्सॉन आती थी वही है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ पर आपको इसमें AC वेंट्स मिल जाते हैं, कंट्रोलेबल नहीं है मेरे ख्याल से, टॉप मॉडल नहीं है, ठीक है। और हम्प नहीं है गाड़ी में बिल्कुल, आप 3 दिन आराम से इसमें कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। ये इसका चार्जर हो गया सब कुछ। एंड अभी चलते हैं हम इसके रियर में, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका चार्जिंग का ऑप्शन भी यहाँ लगा हुआ है। फास्ट चार्जर होता है कंपनी में जो आता है, वो फास्ट चार्जर रहता है। अगर रियर में आपको मैं दिखाऊँ, बूट स्पेस भी आपको चेक कराता हूँ मैं। बूट स्पेस मैंने इसका एक्सेस कर लिया है, 350 लीटर का इसमें बूट स्पेस आता है। जैसे आपको पता है नेक्सॉन का जो बूट स्पेस है वो सब कंपेयर गाड़ियों में सबसे ज़्यादा स्पेस है। आपको यहाँ लैंप देखने को मिल जाता है, एंड आपके होल्ड भी कर सकते हैं, आप अपना सामान यहाँ टांग भी सकते हैं। इस पर वेट जो लिखा हुआ है मैक्सिमम 3 kg का इसमें वेट कैरी कर सकते हैं। दोनों साइड आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। 350 का लीटर इसमें बूट स्पेस मैंने आपको बता चुका हूँ। पार्शल ट्रे आपको इसमें ऑफर की जाती है। और अगर इसकी बैटरी का मैं बताऊँ तो इसमें 40 kW की बैटरी इसमें आती है, जो कि हमारी 451 की रेंज एडवांस दे देती है। ये जो नेक्सॉन ईवी मैक्स आप देख रहे हैं ये टॉप मॉडल नहीं है, ये उससे एक नीचे वाला मॉडल है, जो कि आपको मैंने पूरा दिखाया है इस कार में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी में गाड़ी खड़ी हुई है इस समय। चार्जिंग का आप देख रहे हैं, ये फास्ट चार्जर होता है। चार्जर भी मैं दिखाता हूँ आपको रियर में कहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं। ये अगर आप गाड़ियाँ खरीदते हैं तो होम में, अगर अपने हाउस में लगाएंगे तो वहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन बेसिकली वो फास्ट चार्जर नहीं होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। बेसिकली मेरे ख्याल से 7 या 8 घंटे लगते हैं अगर आप नॉर्मल वाले चार्जर से चार्ज करते हैं, और बेसिकली अगर फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं मेरे ख्याल से 3 to 4 hours इसमें लगते हैं। आपको मैं इसका चार्जिंग फ्यूल लिड भी दिखा देता हूँ, जो फ्यूल लिड का चार्जिंग लिड जो होती है वो भी आपको मैं जो शो करता हूँ, देखते हैं। अभी पहले इसका बूट हम इसका बंद करते हैं, इंजन भी आपको मैं इसका दिखाऊंगा, बने रहना। गाइस इसका खोलते हैं हम इनका इंजन। इंजन तो है नहीं बेसिकली, यहाँ पर मोटर है, देख सकते हैं आप इसकी मोटर। ईवी की बैजिंग सिप्ट्रॉन की बैजिंग आप यहाँ देख सकते हैं। 40 kW की इसमें बैटरी आती है, जो कि हमारी रेंज देती है 451 की इसमें रेंज मिलती है आपको। टॉप मॉडल नहीं है मैंने आपको बताया था, रेंज का कोई फर्क नहीं है, कार में रेंज उतनी ही है, बस फीचर्स थोड़े ऐड होने जाते हैं। जब उसमें सनरूफ आ जाएगी और बोनट, आपको पता है टाटा जाना जाता है अपने लोहा के लिए, तो टाटा का लोहा सबसे ज़्यादा लोहा है। मैंने ये बात आपको जर्मन में उसमें वॉल्सवैगन में भी बोली थी आपको ये बात। वॉल्सवैगन भी, टाटा भी, महिंद्रा भी, गाड़ियों में कोई मुकाबला नहीं कर सकता बिल्ड क्वालिटी में। इनकी बिल्ड क्वालिटी सबसे बेस्ट है, और किसी गाड़ी की मुझे बिल्ड क्वालिटी लगती ही नहीं है। सो गाइस ये था पूरा रिव्यू ऑफ द नेक्सॉन ईवी मैक्स का। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, बिना प्लीज़ मत जाना, बहुत आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, सपोर्ट करिए प्लीज़ गाइस, थैंक यू सो मच।